ध्वनि ध्वनि का मतलब होता है नॉइस साउंड अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल मैं माधो पांडे आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं ध्वनि थ्योरी के बारे में इंडियन एस्थेटिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो शुरू करते हैं <द्धुनी> ओके जैसे कि हमने देखा ध्वनि का सिंपल मीनिंग तो होता है नॉइस या साउंड बट द थ्योरी ऑफ ध्वनि ये संस्कृत पोइटिक्स में संस्कृत पोइट्री में एक ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी के बारे में आनंद वर्धना ने अपने वर्क लोका में लिखा था और इसी को बाद में इलाबरेट किया गया अभिनव गुप्ता के द्वारा और दूसरे लोगों ने इस चीज़ पे अपने व्यूज़ और पॉइंट दिए अभिनव गुप्ता फ़िलासफर थे ये एक म्यूजिशन पोइट ड्रामाटिस्ट थियोलॉजियन वगैरह थे ये स्पेशली रिफर करते हैं भरत हरी को और ये बताते हैं कि जो ध्वनि है इसके चार मीनिंग्स हो सकते हैं फोर मीनिंग्स ग्रामेटिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक मीनिंग होता है दे आर सजेस्टिव वर्ड सजेस्टिव मीनिंग फर्स्ट जो ध्वनि होती है वो सजेस्टिव वर्ड होती है सेकेंड सजेस्टिव मीनिंग होती है थर्ड द पावर ऑफ सजेशन फोर्थ सजेस्टेड मीनिंग तो ध्वनि से हमें कोई वर्ड सजेस्ट होता है दूसरा मीनिंग सजेस्ट होती है उसमें तीसरा उसमें पावर ऑफ सजेशन होता है और सजेस्टेड मीनिंग होती है इसीलिए ध्वनि को ध्वनि या फिर हम सजेस्टर भी कह सकते हैं जिस पोयम में ऐसे वर्ड्स होते हैं मीनिंग होती है उस पोयम को ध्वनि भी कहते हैं जो वर्ड और मीनिंग में एक अल्टीमेट यूनिटी होती है और वर्ड और मीनिंग के बीच में जो लिंक है जो डिफ्रेंसीशन है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है मध्यमा वाक्य में मतलब बोलने में पर बोलने में भी जो वर्ड है और मीनिंग है वो एक इनर रियलिटीज़ है वो सब कॉन्शियस में होता है जो बोलते हैं हम वो कॉन्शियस होता है बट जो उसकी मीनिंग होती है वो जो चीज़ें होती हैं वो अनकॉन्शियस होती हैं इनर रियलिटीज़ होती हैं मतलब तो ये जो थ्योरी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ध्वनि की एक अदर क्वालिटी भी होती जिसको resonance है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं जो हमारे कान तक पहुंचता है रेजोनेंस के थ्रू किसी चीज को रिवील करना और सजेस्ट करना ये एक अलग चीज़ है पर जो रेजोनेंस है वो एक अलग चीज़ है तभी इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं कि ऐसी जो थ्योरी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो प्रोसेस है रेजोनेंस का उसको हम सुन सकते हैं इसके लिए ये भी कहा गया है ब्यूटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एस ध्वनि इज दस डीपली रूटेड इन कॉन्सेप्ट ऑफ वाक नाडा और शब्दा ब्यूटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी मतलब ब्यूटी और एक्सपीरियंस करने की ब्यूटी को तो ध्वनि है मतलब हम चीज़ वो चीज़ कह रहे हैं ना महसूस कर रहे हैं और ये जो चीज़ है वो वाक नाडा और शब्दा से पता चलती है क्रिटिसिज्म ऑफ ध्वनि थ्योरी हर थ्योरीज की तरह इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है पहला ये था कि जो ध्वनि है वो नॉन एग्जिस्टेंस है मतलब ध्वनि एग्जिस्ट ही नहीं करती दूसरा इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड शुड बी इंक्लूडेड अंडर लक्षणा मतलब ये जो चीज़ है वो जो प्रोडक्ट है वो इंटरफेरेंस है मतलब इंटरफेयर कर रही है और ये जो चीज़ है वो लक्षणा के अंदर आनी चाहिए ध्वनि नहीं है और ये जो चीज़ है तीसरा क्रिटिसिज्म एंड दैट इट इज़ बियॉन्ड द रेल ऑफ द वर्ल्ड्स मतलब ये जो वर्ड्स के परे है ध्वनि का लिटरल मीनिंग है सजेशन रिवर्ब्रेशन सजेशन मतलब ये हम जैसे कोई चीज किसी चीज से सजेस्ट हो रही है ये एक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन पोइटिक थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका संस्कृत थिएटर में भी आनंद वर्धना जो कि नाइनटीन सेंचुरी में थे इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था ये पहले एक्सपोनेंट थे ध्वनि स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के और इस चीज़ को फर्दर एलोबरेट किया था अभिनव गुप्ता ने 1950 से 1025 में और ये जो इनका है लोचना आई मतलब अभिनव गुप्ता का इन्होंने एक वर्क लिखा था जो कि कमेंट्री था आनंद वर्धना के ध्वना लोका पे जिसको लाइट और लाइट ऑन ध्वनि कह सकते हैं मतलब अभिनव गुप्ता ने कुछ वर्क लिखा लोचना जिसे या फिर हम उसे कह सकते आई ये चीज़ कॉमेंट्री थी आनंद वर्धना के जो वर्क लाइट ऑन ध्वनि या जिसे हम कह सकते हैं धुन, धुन लोका थे। ध्वनि थ्योरी के अकॉर्डिंग अच्छी पोएम का कंटेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक जो क्लियरली एक्सप्रेस होता है जो कि वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस होता है और जिसकी जो मीनिंग होती है मे बी हिंटेड होती है उसके लक्षण के थ्रू मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसके थ्रू हमें डायरेक्ट उस चीज का रक्स मिल जाता है और जो दूसरी चीज़ होती है वो सोल ऑफ द पोइट्री होती है वो सोल होती है पोइट्री की जिसको जो, जो कि अनएक्सप्रेस होती है या फिर जो खुद में सजेस्ट होती है जिसको ध्वनि रिवील्ड कहते हैं मतलब एक जो पोएम पढ़ते हैं हम जो सीधे सीधे मतलब दिख रहा है और जो दूसरी चीज़ होती है वो हमें चीज़ें समझ में आती हैं दूसरी जो चीज़ें हैं वो अंदर की चीज़ें होती है, जो हमें समझना पड़ता है आनंद वर्धना ने अपने वर्क ध्वन दुवन लोका ध्वनि प्लस आलोका में लिखा था कि जो ध्वनि थ्योरी है वो इनडायरेक्टली जो इमोशंस हैं जो चीज़ें हैं उसको इवोक करती है जिसको और सजेस्ट करती है द ध्वनि थ्योरी कंसिडर्स द इनडायरेक्टली इवोक्ड मीनिंग और सजेस्टिविटी एज द करेक्टिस्टिक फ्यूचर ऑफ लिटरेरी अटर्नस मतलब ये जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई होती हैं अब ये जो चीज़ है वो जो बाकी लिटरेरी जो थ्योरीज हैं मतलब लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस उससे ये अलग करती है जैसे कि एस्थेटिक इफेक्ट या फिर हम उसे हिंदी में रासा कह सकते हैं दूसरा द फिगरल मूड फिर जो है डिवाइसेज जिसको अलमकारा कहते हैं इस वर्क में आनंद वर्धना ने बहुत डिटेल में लिखा है इस चीज़ के बारे में ध्वनि थ्योरी के बारे में आनंद वर्धना यूज द टर्म ध्वनि टू डेसिग्नेट द यूनिवर्स ऑफ सजेशन द सोल ऑफ काव्य इज ध्वनि ही सेज मतलब ध्वनि को काव्य का इन्होंने सोल बताया है ओके okay, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ अच्छा लगा है तो लाइक करो चैनल पे पहली बार हो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डी है मुझे फॉलो कर सकते हो इसका एक फायदा ये है कि जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे डायरेक्ट डी कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय